नमस्कार, मी कोमल खांबे गोष्ट असामान्यांची या मालिकेच्या नव्या भागात तुमचं स्वागत करते. मित्रांनो, तुम्हाला वर्षाला किती जोड चपला लागतात आणि या चपला खराब झाल्यावर तुम्ही त्यांचं काय करता? या चपलांपासून नवीन कोऱ्या चपल्या बनवल्या जातात हे सांगितल्यावर त्यावर तुमचा विश्वास बसेल का? हो, हे अगदी खरंय. आज आम्ही तुमच्यासाठी अशा तरुणांची गोष्ट घेऊन आलो आहोत जे या टाकाऊ चपलांपासून इको फ्रेंडली टिकाऊ चपलांची निर्मिती करतात. ते नुसते या टिकाऊ चपला बनवतच नाहीत तर त्या चपला गरजू लोकांना दान देखील करतात. चला तर मग जाणून घेऊया श्रीयांश भंडारी आणि रमेश धामी या तरुणांच्या या उपक्रमाबद्दल. श्रीयांश भंडारी आणि रमेश धामी हे तरुण ग्रीनसोल या कंपनीद्वारे टाकाऊ चपलांपासून टिकाऊ चपलांची निर्मिती करतात. रमेश धामी हे स्वतः एक ॲथलेट आहेत. शर्यतीत धावताना महागातले महाग ब्रँडेड कंपनीचे शूज देखील फार लवकर खराब होतात, पण या शूजचं सोल मात्र जसंच्या तसं राहतं. ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली. फारसे पैसे नसल्याने रमेश धामी यांनी आपल्याकडील या खराब झालेल्या शूजच्या सोलचा वापर करून त्यापासून नवीन चप्पल बनवली. रमेश धामी आणि श्रीयांश भंडारी यांनी मिळून याच कल्पनेतून 2016 साली ग्रीनसोल या कंपनीची निर्मिती केली. हाय, मेरा नाम रमेश धामी है और मैं को फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ ग्रीन सोल में. मैं जब 9 साल का था मैं मुंबई आया था एज ए एक्टर बनने, और उस समय 2005 में आया जब मुंबई में बाहर आया था. 2006 में मैं रिटर्न गोवा गया, 2007 में बैक मुंबई आया. सो मुंबई में अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहा था और ऑर्गेनाइज बच्चों के साथ में, मैं भी छोटा था उस समय, अलग अलग कर रहा था. फिर लास्ट 2008 में मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि रनिंग करना है, मुंबई मैराथन हो रहा है, तो आप लोग ऐसे पार्टिसिपेट करो कैसे रहता है. तो और मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार उसमें 55 लाख से भी प्राइज में नहीं है. तो मुझे लगा कि मैं जीत जाऊँगा, तो मैंने भी बोला ठीक है मैं भाग जाता हूँ. तो मैं फर्स्ट टाइम भागा था 1 hour 30 minutes में 21 किलोमीटर भागा था फर्स्ट टाइम 2008 में. फर्स्ट मैंने किया था, उस समय काफ़ी छोटा था. मैं एज ए रनिंग कर रहा था और मेरे खुद के जो जूते होते थे, ऑर्गेनाइजेशन इतना पेमेंट नहीं दे सकती थी और 1500 से 1000 रुपये देती थी, और उसके लिए बाटा का जूता यूज करने के लिए रनिंग के, तो मैं यूज करता था. सो उस समय मेरे जूते, मैं एथलीट था और मेरे जूते बहुत, जो जूते होते थे बहुत कॉस्टली होते थे, एडिडास प्यूमा ये सब बहुत कॉस्टली होते थे उस समय. फिर मुझे लग रहा था कि ये जूते बहुत महंगे होते हैं, यूज होते, वेस्टेज हो रहे हैं, और मैं यूज भी कर रहा था और काफ़ी एक मतलब मेरे लिए टफ था. तो मैंने बोला कि एक लास्ट टाइम मैंने सोचा कि उस समय एक शूज़ मंगाता हूँ मैं उसका, सुकानो ब्रांड का, जो $110 का था समथिंग उस समय. मैं सोचा कि उस शूज से मैं 1.5-2 लाख रुपये प्राइज में नहीं जीतूँगा हर संडे कहीं ना कहीं, और हल्का और लाइट जूता करके मैंने वो शूज़ मंगाया और यूज कर रहा था. वो जल्दी ही ख़राब हो गया, 15 to 20 days के अंदर ख़राब हो गया वो. तो मुझे काफ़ी एक हर्ट हुआ कि मेरा इतना बड़ा ड्रीम था, बट उस चीज़ को नहीं, वो जूता मतलब एक नाम का ही इतना बड़ा था. वो जो चप्पल था, वो जूता था, उस जूता में मैं पहले तो मैंने उस जूते को वो किया, जूता मैंने ऑलरेडी, वो जूता ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा मैं सैड हो गया था कि मुझे दुख हो रहा था उस समय कि मैंने इतना महंगा जूता $110 समथिंग, वो 8-9 हज़ार रुपये होते हैं उस समय, और वो पाउंड भी मैंने कम से कम रनिंग करके जीत कर मैंने जमा करके किसी से मंगाया था जूता. और उस समय जूता ख़राब हो गया तो मैंने पहले तो मैंने सोचा अब कुछ भी करके मैं इसको यूज करूँगा, मेरा पैसा वेस्ट नहीं करूँगा मैं. तो मैंने फर्स्ट टाइम के उसका मैंने क्या किया कि उसका जो अपर कट कर दिया, कट करने के बाद मैंने उसे जो मुझे श्रेयांश ने टी शर्ट दिया था यूज करने के लिए पहनने के लिए, वो टी शर्ट को मैंने रिटर्न उकर के फेविक्विक से चिपका के अंदर उकर के मतलब वो चिपका के और ऊपर से सोल जो इनसॉक्स था, सो इनसॉक्स बहुत अच्छा था उसका भी, तो इनसॉक्स में चिपका के मैं एक सिल्पोन जैसा सूता बना के उस पर रनिंग कर रहा था, ट्रैक वॉक कर रहा था, बट वो कट कर रहा था बार बार, यहाँ से कट करके बहुत बार कट गया, क्योंकि फेविक्विक बहुत ज़्यादा वो होता है, स्ट्रांग होता है, मतलब जल्दी वो करता है वो. तो यूज़ किया तो फिर वो भी नहीं सक्सेसफुल है, मैं बोला थ्रो तो नहीं करूँगा, मैं यूज करूँगा. तो रिटर्न मैंने उसको अपर निकाल के फेंक दिया, और रिटर्न मेरे माइंड में आया कि चप्पल कैसे बन सकता, मेरे पास चप्पल नहीं थे उस समय. तो मैंने सोचा क्यों ना इसको खुद का एक पैर नीचे जूता रखा और जूते का सोल रखा, और मेरे पास एडवेंचर का रोप था, वो रोप लेके और अपने हिसाब से एक अंगूठा, यहाँ अंगूठा वाला वो करके यहाँ से वो हॉल करके, और चाकू चम्मच लेके और चाकू से वो करके चम्मच से ऐसा वो करके घुसा के, फिर ये ऐसा यहाँ से ये करके ऐसा फिट करके वो अपने आप से मार्क करके, फिर मैंने यहाँ से हॉल करने के बाद सीधा ये एक यहाँ से करके फेविक्विक से चिपका दिया. चिपकाने वाले वो यूज़ हो रहा था, क्योंकि वो एक लास्टिक होती है वो जो
लास्टिक और सोल में चिपक जाता हो, तो वो चिपकने में आराम से चल रहे थे, वो निकल ही नहीं रही थी। तो आई थिंक वो यूज कर रहा था मैं नॉर्मली ऐसा रनिंग, उसमें जॉग भी करता था और कंफर्टेबल था और मेरी साइज का ही था वो। फॉस्टिंग हमारा जो कलेक्शन सेंटर है क्रॉस इंडिया, हमारे 60 कलेक्शन सेंटर थे जहाँ पे हमारे वॉलेंटियर्स हैं जो वॉलेंटियर्स मैनेज करते हैं, जो कलेक्शन करके हमें मुंबई भेजते हैं। और जहाँ से भी आता है जो सोसाइटीज़ होते हैं और क्लब्स होते हैं और ये जैसे NMC और जो BMC उनके भी हैं, उनको भी बेचते हैं, तो वो भी हमें जोड़े बेचती हैं। अब तक वो लोग 7 फैक्ट्री 8 फैक्ट्री को दे रहे थे, वो जला रहे थे, पर वो चाह रहे थे कि उससे पॉल्यूशन बढ़ा, तो हमें डायरेक्टली अभी जो है सोसाइटीज़ और BMC NMC और जो स्पोर्ट्स क्लब्स हैं और इंडिविजुअल लेवल में भी स्कूल्स हैं और कॉपरेट हैं, वो हमें डायरेक्टली कलेक्शन करके हमें भेजते हैं। और जो भेजते हैं, भेजने के बाद हमें यहाँ से जो भी क्वांटिटी जोड़ी आती है उनको हम, उनको जो जोड़ी आती है उसके वजह से हम मैसेज भेजते हैं कि उसके थैंक फॉर और इतनी जोड़ी हैं आपकी हैं। ग्रीन सोल मध्ये रॉ मटेरियल म्हणून आलेल्या चपलांचे सोल काढून त्यापासून नवीन चपला बनवल्या जातात, तर या चपलांच्या लेसपासून बॅगची निर्मितीही केली जाते। या चपला फक्त टाकाऊपासून टिकाऊ नाहीत तर इको फ्रेंडली देखील आहेत। या चपला गरजू लोकांना दान केल्या जातात। महाराष्ट्रासह देशातील 19 राज्यांमध्ये आतापर्यंत 4,10,000 चपला या ग्रीन सोलद्वारे दान करण्यात आल्या। मुलांना चपलांबरोबरच कपड्यांपासून बनवलेल्या स्कूल बॅग्स आणि बसण्यासाठी मॅटही दिले जातात। जुन्या चपलांपासून नवीन चपला बनविण्यासोबतच प्लॅस्टिक, बांबू, मका यापासून इको फ्रेंडली बूट आणि शूज देखील बनवले जातात। ग्रीन सोलद्वारे बनवण्यात आलेल्या चपलांनी लॅक्मे फॅशन वीकमध्ये रॅम्प वॉकही केलाय। फर्स्ट 2017 में हमको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वहाँ से उनके तरफ से मेल आया था, इन्फोला पे से उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स आए थे, शायद उन लोगों ने देखा एक सस्टेनेबिलिटी उनको जो है वो करते हैं उनका जो लैक्मी फैशन का। सो हमने इब्राहिम ठाकुर करके हैं जो सस्टेनेबिलिटी उनके जो क्लोथ हैं ऑर्गेनिक, उसमें हर टाइप के हमने बनाए थे वॉक के लिए। सो फर्स्ट टाइम आतिया शेट्टी वॉक की थी, नहीं सॉरी फर्स्ट टाइम वो कही थे हमने जो नॉर्मली जो मॉडल्स हैं। सेकेंड टाइम आत्या ने किया, थर्ड टाइम भी इब्राहिम ठाकुर के साथ ही था, दिया मिर्जा ने वॉक किया था उसमें। ग्रीन सोल फक्त टाकाऊतून टिकाऊ चपलांची निर्मिती करत नाही, तर यातून रोजगार निर्मिती ही केली जाते। लोकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यातील कौशल्य विकसित करण्यासाठी 2018 झारखंड मध्ये त्यांनी पहिलं स्किल सेंटर सुरू केलं। भारतात असे 100 स्किल सेंटर सुरू करून त्याद्वारे लोकांना प्रशिक्षित करण्याचा त्यांचा मानस आहे। 2024 तक हम 4 स्किल सेंटर जो खोलने वाले, जिसके अंदर महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, और उन स्किल सेंटर्स में एक आउटलेट भी होगा और जहाँ पे ट्रेनिंग भी होगा, और उन ट्रेनिंग के बाद उनको हम ऐसी कंपनीज को भेजेंगे जहाँ पे ये कंपनीज जो राम फैशन जैसे मैन्युफैक्चर होते हैं उनको देंगे, और वो एक स्किल वर्कर लेंगे तो उनके लिए भी ईजी होगा और उन्हें भी इस प्रोडक्शन या जो इनका जो स्पोर्ट है बढ़ेगा और क्वालिटी मिलेगी तो वो बढ़ेगा और इंडिया के अंदर वो जो जॉब्स के और ज़्यादा उत्पादन होगा बढ़ेगा। और तो मेरा ये कि आने वाले टाइम में हम स्किल सेंटर भी खोलेंगे और एक सस्टेनेबिलिटी भी बनेंगे, प्रोडक्ट भी हम ऐसा बनाएं कि कम कॉस्ट में और जो उनके जो हम आज प्रोडक्ट बनता है, जब हम चप्पल बनाते हैं, एक चप्पल बनने के बाद मुंबई से वो कितने जगह होके जाता है वो, और उसमें कितने लोग, मतलब एक रोजगार तो है बट कहने के वो बहुत जगह घूम के जाता है। हम ट्राई करेंगे वो कम कॉस्ट में उनको ज़्यादा बेनिफिट हो ट्रैवल, और ट्रैवल वालों का भाई इतना इनकम नहीं है कि वो ऐसा कर सकें, पर इतना नहीं है, कहीं तो है बल अप डाउन तो है मार्क, बट कहने के उनको एक कम कॉस्ट में प्रोडक्ट मिलेगा तो बेटर होगा। और हम एक चप्पल यहाँ 50 रुपये 50 रुपये 60 रुपये में चप्पल मिलते, वही चप्पल आप गाँव में जाओगे तो 250 तक पहुँच जाते, क्योंकि उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट बैराव सब पूरा घूमते घूमते वो 250 था। वो चाहता कि वो कम में हम जो वो 100 में ही वो गांव में ही वो हो जाए, मतलब वहीं बने और रिटर्न हम उसको रीयूज भी कर सकते हैं, और उसको हम ऐसा जॉब एनवायरमेंट प्लस हम उसको एक सस्टेनेबिलिटी और एक उस मॉडल पे लेगा, मतलब जॉब भी ख़त्म नहीं हो और उसको वो भी रहे, एक हम रिसाइकिल भी कर सके जो आज करोड़ों टन में वेस्टेज हो रहा है। मतलब एक कंपनी है जो एवरी डे 10 लाख पेयर मैन्युफैक्चर करती है इंडिया के अंदर, चेन्नई में या समथिंग कहीं है वो कंपनी, दिल्ली का 10 लाख पेयर सिर्फ सोल बनाती हो। सो आप सोचो कि वो नया कितना उससे रबड़, अगर नहीं भी बोला तो प्लांट से ही बन रहा ना वो, और रिटर्न कर रहे हैं फिर उसको कट कर रहे हैं। सो हम ये चाहते हैं कि उसको हम उसको बंद करें और जो हमारे पास हैं
उसको ही यूज करें और उसको हम ट्राई करें कि उस एक पूरा हम यूज करके जो ऑलरेडी हमारे कितने अरब टन में हो हम रिटर्न इसको सस्टेन यूज करके हम रिटर्न रिसाइकिल करके हम इसको यूज कर सके, जो आने वाले टाइम के लिए पर्यावरण को हम बचा सके, जो आने वाली पीढ़ी है आने वाले जो भी हैं उनके लिए हम बेटर एक एक ऐसा वो बना के मतलब बेटर वो कर सकें। मित्रांनो, तुम्ही कधी विचार केला होता का की कचऱ्याच्या डब्यात जाणाऱ्या या टाकाऊ चपलांपासून इको फ्रेंडली टिकाऊ चपलांची निर्मिती होऊ शकते? श्रेयांश भंडारी आणि रमेश धामी या तरुणांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमामुळे अनेक अनवाणी पायांना आधार मिळालाय। अशीच गोष्ट घेऊन येत आहोत पुढील भागात, तेव्हा पाहायला विसरू नका गोष्ट असामान्यांची।